आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले प्रेजेंट टेंस के हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। कंटीन्यूअस टेंस को ही हम इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं और यहाँ पे तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेंटेंस बनाना, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, और उनके नेगेटिव सेंटेंस बनाना और उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। परफेक्ट टेंस बनाते समय हमको कुछ नियम पहले ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहली बात है, पहचान कैसी होगी कि परफेक्ट टेंस है कि या नहीं है। क्रिया से मालूम पड़ जाता है या वाक्य से मालूम पड़ जाता है कि उस वाक्य में हमें बता रहा है कि काम समाप्त हो गया है और काम को समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुआ है, यानी कोई काम अभी अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है, और वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, चुका है या चुके हैं, इस तरह के शब्द रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ वाक्यों के साथ। वाक्यों को शुरू करने के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक फार्मूला, जो बेसिक वाक्य होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। मैं फिर से बता दूं, किसी भी वाक्य की रचना, पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में हम सभी लोग जानते हैं, बार बार मैं पढ़ाता हूँ, हम लोग लिखेंगे ही, शी, इट या नेम। और दूसरा क्या होता है, आई, वी, यू और दे। इसके बाद ये हमारा मेन वर्ब होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमें क्या करना है, हैज और हैव इन दोनों में से एक रखना है। हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज और हैव। सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव यहाँ पे रखते जाएंगे। इसके बाद ये जो है हमारा मेन वर्ब है, तो जैसे ही, शी, इट और नेम है तो हम उसके साथ क्या रखेंगे, हैज, आई, वी, यू, दे के साथ क्या रहेगा, हैव। ये हमें ध्यान में रखना है। और इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पे रहेगा। और इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, टू द मार्केट, ठीक है, इस तरह से वाक्य की रचना होगी। अब हम वाक्य लेकर के उदाहरण द्वारा देखेंगे। जैसे यहां पे अब अगर वाक्य की रचना करें, वह मार्केट जा चुका है, He has go went gone, थर्ड फॉर्म क्या होता है, gone, He has gone to market, ठीक है। देखिए यहाँ पे ही, शी, इट, ही हैज गॉन टू मार्केट, सी हैज गॉन टू मार्केट, इट हैज गॉन टू मार्केट, यहाँ पे मोहन है, मोहन हैज गॉन टू मार्केट। इसी तरह यहाँ पे आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव। तो आई हैव गॉन टू मार्केट, अभी ध्यान में रखिए, हैज और हैव लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। बच्चों, अभी हम लोग बेसिक फार्मूला हमने सीख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हमको
ट्रांसलेशन करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई। इसके बाद मैंने कहा था हैज़ या हैव, आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव। काम कर लिया है, कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। ध्यान से देखिए, आई के साथ हैव लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद क्रिया का जो क्रिया करना का डू डिड डन, तीसरा रूप डू डिड डन, ध्यान में रखना है, डू डिड और डन। तो हमें क्रिया का तीसरा रूप लगाना है यहाँ पे, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। उन्होंने नदी में स्नान कर लिया है, उन्होंने मतलब दे के साथ हैव, दे हैव बाथ्ड इन द रिवर, दे हैव बाथ्ड इन द रिवर, दे के साथ हैव, बाथ का थर्ड फॉर्म बाथ्ड इन द रिवर। वह एक पत्र लिख चुका है, ही के साथ हैज, ही हैज लिख चुका है, रिटेन राइट रोट रिटेन, ही हैज रिटेन अ लेटर। लड़की घर जा चुकी है, गर्ल हैज, सिंगुलर है, गर्ल हैज गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, गर्ल हैज गॉन टू हर होम, वह अपने घर जा चुकी है। उसने दरवाजा बंद कर लिया है, ही हैज क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजा बंद कर लिया है, ही हैज क्लोज्ड द डोर, थर्ड फॉर्म क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड ही होगा। और इसके बाद है मोहन ने अपना होमवर्क कर लिया है, मोहन नाम है, मोहन हैज डन या कंप्लीटेड या डन हिज होमवर्क, मोहन हैज डन हिज होमवर्क या मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो अभी हमने देखा यहाँ पे आई के साथ हैव और हैज लगता है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, सब जगह देखिए, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमने देखा किस ट्रांसलेशन किया हमने। अब हम ये जो सेंटेंस हमने ट्रांसलेशन किए हुए थे, ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, अब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है हमें, नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उनके आगे नॉट लगा दीजिए। अभी मैं आपको लगा के बता रहा हूँ, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, तो आई हैव नॉट लगा दीजिए, आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। दे हैव बाथ्ड इन द रिवर, दे हैव नॉट बाथ्ड इन द रिवर, दे हैव नॉट बाथ्ड इन द रिवर। इसी तरह ही हैज रिटन ए लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट रिटन ए लेटर। गर्ल हैज गॉन टू हर होम, गर्ल हैज नॉट गॉन टू हर होम, लड़की अपने घर नहीं गई है।
ही हैज क्लोज द डोर, ही हैज क्लोज द डोर, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट क्लोज्ड द डोर, ठीक है। मोहन हैज नॉट डन हिज होमवर्क। ओके बच्चों, समझ गए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हैव है या हैज है, हैव और हैज है, उसके आगे नॉट लगा देना है और बाकी के वाक्य वैसे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने पॉजिटिव वाक्यों का नेगेटिव वाक्य बनाया। अब हम इन दिए गए वाक्यों का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक इन वाक्यों को इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाते समय जैसा कि हमने इसके पहले भी सीखा था कंटिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हमको क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले रखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हम पहले रखेंगे वाक्य में, और इसके बाद जो सब्जेक्ट है, हैव आई डन माय होमवर्क माय वर्क, एकदम सिंपल है। क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है और इसके बाद सब्जेक्ट रखना है और इसके बाद जिस तरह से पूरा वाक्य है वैसे ही लिख देना है। दे हैव बाथड इन द रिवर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव दे, हैव दे बाथड इन द रिवर, यहां पे क्या, दे हैव बाथड इन द रिवर, उन्होंने नदी में स्नान किया। यहां पे क्या हो जाएगा, क्या उन्होंने नदी में स्नान किया, ही हैज रिटन ए लेटर, यहां पे देखिए हैज है तो क्या हो जाएगा, हैज ही रिटन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, ही हैज रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा था, लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या उसने एक पत्र लिखा है, गर्ल हैज गॉन टू हर होम, तो हैज पहले लगा दीजिए, हैज गर्ल गॉन टू हर होम, ही हैज क्लोज द डोर, हैज ही क्लोज्ड द डोर, क्या उसने दरवाजा बंद कर लिया है, मोहन हैज डन हिज होमवर्क, हैज मोहन डन हिज होमवर्क, क्या मोहन ने अपना काम कर लिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बहुत ही सिंपल था, हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देना है, इसके बाद सब्जेक्ट रखना है और इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य में कहां, क्यों, कब, किसे वाक्य के बीच में आ जाते हैं। इसके पहले इंट्रोगेटिव बनाते समय हमने क्या का ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब की सहायता से यानी हैज और हैव की सहायता से किया था, लेकिन यदि वाक्य के बीच में आ जाए प्रश्न तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम अभी देखेंगे। हरी आज कहाँ गया है, कहाँ मीन्स वेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर हैज हरी गॉन, वेयर हैज हरी गॉन टूडे, हरी आज कहाँ गया है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, क्यों, कब, कहाँ का पहले वाक्य के शुरू में रखा
और इसके बाद हैज और है उसके बाद रखेंगे। यहाँ हरी है इसलिए हैज लगा हुआ है। वेयर हैज हरी गॉन, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद जो भी आगे है। मदन ने पत्र क्यों लिखा है, क्यों, वाई, वाई मदन, वाई हैज मदन रिटेन ए लेटर। मदन ने पत्र क्यों लिखा है, why देखिए यहाँ पहले लगा, बीच में है इसको पहले लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो है सब्जेक्ट और उसके आगे जो है मेन वर्ब। why has मदन रिटेन ए लेटर, तुम्हारी माता ने मुझे कब बुलाया है, कब, when, when has your mother called me, क्वेश्चन मार्क लगाते जाइएगा। when, कब, when has your mother called me, गोपाल ने पुस्तक किसे दिया है, गोपाल ने पुस्तक किसे, whom, whom has गोपाल given the book, गोपाल ने पुस्तक किसे दिया है, whom has गोपाल given the book। इस तरह से हमने देखा कि वाक्य के बीच में अगर क्यों, कहाँ, कब, किसे आए तो ट्रांसलेशन करते समय हम लोग वेयर, वाई, वेन, होम यानी WH शब्दों का उपयोग वाक्य के शुरुआत में ही करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है जो भी रहेगा, और इसके बाद ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आज का हमारा लेसन हमने सीख लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीनों प्रकार, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव।